गरियाबंद का देवभोग अनुभाग ओडिशा के 3 जिलों से घिरा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पादन कम होने की स्थिति में समर्थन मूल्य में धान खपाने अक्सर ओडिशा के उपज का सहारा लिया जाता है। इसी को रोकने स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र भर में 16 रास्ते पर चेक पोस्ट तो लगाया है, पर ज्यादा पोस्ट कच्चे झोपड़ी के सहारे हैं। न बिजली न बुनियादी सुविधाएं हैं। ऐसे में रात को स्थानीय कर्मी ठीक से ड्यूटी नहीं करते। वहीं बाहर से आए ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को मोबाइल की रोशनी में ड्यूटी करते देखा गया है। इस स्थिति में ज्यादातर चेक पोस्टों पर अवैध धान भी धड़ल्ले से पार हो रहा है। धान के अवैध कारोबार को लेकर पूर्व संसदीय सचिव ने शिविर में उंगली उठाई थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त होने और अवैध धान न आने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट गरियाबंद। डर का भाव लगा सर, गई तो इतनी है यहाँ। मैं अकेला था उस दिन, फर्स्ट दिन आया था, कोटवार कोटवार भी छुट्टी था। तो फिर व्यवस्थाएं क्या क्या? कुछ नहीं, लाठी डंडा टार्च नहीं, नहीं क्या है? मोबाइल का बस यूज करने से टार्च है। मोबाइल टार्च से जी, एक्स्ट्रा कोई टार्च नहीं? नहीं सर। डंडा वंडा नहीं सर, डंडा वंडा। भोजन कैसे करते? भोजन लाते सर पंचायत वाले, पंचायत वाले। बस फिर सांप आपका डर है? सांप बिच्छू का डर लगता है सर, जंगली क्षेत्र है। अच्छा, पेड़ पौधा है और लाइट भी नहीं? लाइट भी नहीं सर। तो किसी को बताया कि ऐसी समस्या है? बताया सर, उस दिन मैं सचू को बताया था, और तो यहाँ कैमरा लगने वाला था, लाइट को जैसे कैमरा नहीं लगा बोले। अच्छा, इसीलिए कैमरा नहीं लगा जी। क्या नाम? क्या है कि मैं अनेक बार किसान मेरे को फोन करते रहते हैं और किसानों को धान को पकड़ते हैं और इनका खुले रूप में व्यापारियों के द्वारा उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, और ये लोग जाकर के किसी के प्यारा में, किसी के घर में और कहीं पर भी किसानों को परेशान कर रहे, किसानों को धान को पकड़ते हैं। बार बार किसान मुझे फोन करते हैं और मैं कलेक्टर साहब से भी कई बार 8-10 बार फोन कर चुका हूँ। मैं इसलिए कहा कि ये जो समस्या है हमारे किसानों की, उनके ब्यारा में उसके घरों में जाकर के आप धान को पकड़ रहे हैं और जो खुले रूप में आ रहा है 50 गाड़ी मिनिमम में कह सकता हूँ उड़ीसा के पर डे 50 गाड़ी धान मेटाडोर या आपके 10 चक्के की गाड़ियों में तक क्या है, उस पर इनका ज्यादा निगाह नहीं। किसकी संलिप्तता मानते हैं? अब वो पूरे अब SDM यहाँ पे संलिप्त है, तहसीलदार संलिप्त है, तभी वो खुले रूप में आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे बैरियर लगा है। हम इसको CM से शिकायत करेंगे और ये जो इनकी लापरवाही बहुत ज्यादा, मैं आदरणीय कलेक्टर साहब को ही कई बार इस संबंध में फोन किया, बोले इस तरह से इनके उनको खुली छूट दी गई है, हमारे किसान भाई त्रस्त हैं, उनकी धान को पकड़ी जाती है। रात को उठना है, रात में सोना है, लाइट जला दिए, अब ये आधा घंटा एक घंटा चलता है सर, उसके बाद बंद हो जाता है। क्या है चार्जिंग सुबह के लिए, तो फिर कोई अधिकारी आ रहे हैं, कोई है कि या कोई गाड़ी से पार हो रहा है तो अधिकारी बताना भी है, बोलती है जल्दी ले आते हैं मोबाइल। अच्छा, मतलब इसमें हम लोग ने सभी का समान रूप से कार्रवाई करते हैं। अभी तक 9 गाड़ी को जब्त करके थाने में रखे हैं और 2300 क्विंटल धान जब्ती करके थाने में रखे हैं, और जहां शिकायत आता है वहां जाते हैं, और किसी भी किसान को हमारे द्वारा कोई परेशान नहीं किया जाता है। जो पट्टा दिखाए जाते हैं, जो सामान्य रूप से जो उपज है उतना धान रहता है, तो उसे हमारे जांच करके